ओवरहीट हो गई थी, ओवरहीट हो गई थी और बंद हो गई। ये प्रॉब्लम हमने सुनी है, वो ओवरहीट हो गई और बंद हो गई रास्ते में। तो उन्होंने कहा कि आपको पता भी है रेन वाइजर क्या होता है, प्लस लॉजिस्टिक चार्ज अलग से लगाए हुए थे 6-7 हज़ार के आसपास उन्होंने। तो ये बढ़ चढ़ के आई थिंक 50-70 thousand के आसपास बढ़ गया था वो मेरा। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी गाड़ी लेकर आए हैं जो कि सेगमेंट लीडर है और साथ के साथ उसकी जो नंबर वन पोजीशन है आज तक कोई भी हिला नहीं पाया। सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आती है उस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसी से कंपेयर करते हैं, लेकिन उसका टस से मस नहीं होता। गाड़ी आप गैस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी है आपकी हुंडई की क्रेटा और ये नई नवेली क्रेटा है, साहिल जी की गाड़ी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। साहिल जी ने एक बात बोली थी, इन्होंने स्कॉर्पियो एन बुक करी थी, ये बोल रहे थे कि ये गाड़ी मुझे सबसे बुरी लगती थी लेकिन फिर भी मुझे लेना पड़ा। अब क्रेटा के बारे में आप लोगों को तो सब कुछ पता है कि क्या है क्या नहीं है क्या मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और ये SX वेरिएंट है जो कि आपको लगभग 17 कितने का पड़ा 1740 के आसपास 1740 के आसपास पड़ा था। इन्होंने स्कॉर्पियो एन बुक करी थी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एलिवेट चलाने ये गए थे, इनके साथ क्या हुआ और इन्होंने मुझे बताया कि घर पे इनके नेक्सॉन है, नेक्सॉन के बाद इस गाड़ी में क्या फीलिंग आ रही है वो भी इन्होंने मुझे बताया और आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहते हैं। सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्कॉर्पियो एन से सीधे इसमें क्यों आए? सर एक तो बजट इतना ही था क्योंकि स्कॉर्पियो एन भी इतने ही बजट में आ रही है। कौन सा वेरिएंट आ रहा था? Z4 वेरिएंट है, पेट्रोल का। और आपने कब की बुकिंग करवाई हुई थी? ये कराई थी मैंने जून के एंड में बुक करवाई थी, पिछले साल अभी। अच्छा हाँ, तो फिर तो कहाँ मिलेगी वो Z4 आपको? हाँ मगर कोई ऐसी वो भी नहीं थी ना कि हाँ अभी अगले साल की डेट थी उसकी, अप्रैल 2023 की, 24 की। मगर उसमें भी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मिलेगी। अच्छा ये बताओ, ये बात थोड़ी सी दिलचस्प लगी मुझे कि ये आपको देखने में अच्छी नहीं लगती थी, वो क्या स्टोरी थी, ऐसा क्या? सबसे पहली बात तो इतनी कॉमन हो गई थी, हर जगह क्रेटा ही क्रेटा दिख रही है, क्रेटा ही क्रेटा दिख रही है। इस सेगमेंट में शायद किया और क्रेटा के अलावा कुछ बिक भी नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो अभी देखो किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट आया है फिर भी वो कम बिक रही है इससे, ये तो मानने वाली बात है इस गाड़ी की। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि बहुत सारे स्टेट में सिटीज में डीजल इंजन इसका बहुत बिकता है लेकिन ये पेट्रोल है, यहाँ पर लिमिटेशंस है 10 साल वाली और आपको गाड़ी ज्यादा चलानी भी नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि नई गाड़ी एलिवेट आई है सेगमेंट में, सेल्टोस का फेसलिफ्ट आया अभी अभी, इसका आने वाला है, ये आपकी पुरानी हो जाएगी, उसके बावजूद भी ली? मुझे मालूम है ये सब इतने सारे फैक्टर्स हैं मेरे पास, बट मैंने ना लिस्ट बनाई थी पूरी गाड़ी इसकी, मुझे इसी सेगमेंट में गाड़ी चाहिए थी। कोई किया तो मैंने इसलिए ली क्योंकि उसका जो इंटीरियर है काफ़ी ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक था, मुझे पर्सनली अच्छा। नहीं ठीक लगा उसका। लोगों को लेकिन बहुत पसंद आ रहा है जो उसमें फीचर्स मिल रहे हैं, जिसको आ रहा है खैर उसको आ रहा है, मगर हाँ मतलब मुझे लग रहा है कि ये कभी पुराना ना होने वाला डिज़ाइन है इसका अंदर इंटीरियर का। फिर रही बात एलिवेट की, एलिवेट में फीचर्स कम मिल रहे हैं, आप हमेशा ना कंफर्ट के पीछे नहीं जा सकते क्योंकि कंफर्ट तो लगभग एक गाड़ी में हर किसी में मिलता है क्योंकि मेरी इतनी यूजेज नहीं है कि मैं 1000-1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर एक बार में चलाऊं, इसलिए मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि ठीक है 500-600 किलोमीटर विदाउट एनी इशू हो जाए उस गाड़ी में। अच्छा तो इससे बढ़िया फिर दिमाग में एक ही नाम आता है, क्रेटा ही देखते हैं एक बार। आपने चलाकर भी नहीं देखी एलिवेट? नहीं चलाकर नहीं देखी क्योंकि मुझे टेस्ट ड्राइव ऑफर ही नहीं हुई। मेरा मन वैसे भी खराब हो गया था जब मैं एलिवेट देखने गया था, सबसे पहले तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं था उसका शोरूम में जाने का, कि जब मैं शुरू में गया तो वहाँ पर मुझे सेल्स पर्सन साइन हुआ, उसने जो है 10-12 कॉम्पोनेंट्स पेपर पे लिख के मुझे दे दिए जो कि सारे ही मैंडेटरी किए हुए थे। लगभग मतलब कितना खर्चा आ रहा था उसमें, एक्स्ट्रा कितना जा रहा था ऊपर, मतलब एसेसरीज थी एक्स्ट्रा? हाँ एसेसरीज बोल लो आप, 4-5 ईयर का इंश्योरेंस बोल लो उसको, एक्सटेंडेड वारंटी बोल लो, प्लस लॉजिस्टिक चार्ज अलग से लगाए हुए थे 6-7 हज़ार के आसपास उन्होंने। तो ये बढ़ चढ़ के आई थिंक 50-70 thousand के आसपास बढ़ गया था वो मेरा। अच्छा हाँ, जो कि मुझे लगा नहीं क्योंकि जो चीज़ मुझे जरूरत नहीं है वो मैं नहीं ले सकता हूँ, जबरदस्ती मुझ पर कोई वो नहीं कर सकता, इम्पोज नहीं कर सकता, बिल्कुल सीधी। प्लस फिर उसके बाद उन्होंने, मैंने टेस्ट ड्राइव की मांग करी, मैं चलो कम से कम इतनी तो मिले देखते हैं, उन्होंने कहा कि आपको कम से कम आधा से एक घंटा वेट करना पड़ेगा। तो कर लेते, 15 साल की बात थी, कर तो लेते, बट एक्चुअली क्या था ना उसका, मुझे थोड़ा इंटीरियर भी वो लग रहा था थोड़ा सा पोलराइजिंग उसका इंटीरियर था, व्यूज तो अच्छे, उसके जो फ्रंट था वो तो अच्छा था पर इंटीरियर थोड़ा ऐसा था कि उसमें आपको सिर्फ कंफर्ट लेवल पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है जो कि अच्छी बात है, बट फीचर्स भी थोड़े बहुत होने चाहिए थे आई थिंक। वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस गाड़ी को 10 साल बाद भी देखोगे तो ये शायद इसका इंटीरियर आपको पुराना ना लगे बट उसका जरूर लगेगा। प्लस सबसे बड़ी बात क्या थी कि वहाँ पर उनका जो मैनेजर था वो मुझसे एसेसरीज में, जब उन्हें मैंने पूछा कि क्या क्या मिल रहा है आपको, तो इसमें तो मुझे काफ़ी अच्छी एसेसरीज मिल रही थी वही 13-14 हज़ार के आसपास, तो वहाँ पर उसमें मुझे एसेसरीज में सिक्योरिटी हैमर
छोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप सुनोगे भी तो शायद आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा, वर्थ भी नहीं लगेंगे वो चीज़ें कि 13,000 की चीज़ें वो मुझे दे रहे थे, बस ये छोटी छोटी चीज़ें मिला मुझे लोगे और कोई इतनी बड़ी चीज़ थी भी नहीं। प्लस जब मैंने पूछा कि मैंने कहा क्रेटा में तो मुझे इतनी सब चीज़ें मिल रही हैं, वाई यू आर नॉट गिविंग, जबकि नई बड़ी आपके पास गाड़ी जो है अब नहीं आई है अभी। तो उन्होंने कहा कि आपको पता भी है रेन वाइजर क्या होता है, अच्छा ये डोर गार्ड्स होते क्या है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से अब, मैंने कहा अब नहीं लेनी, नई गाड़ी के आने के बाद ही ये लोग इस तरह का बिहेवियर है तो बाद में तो मैं कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकता। फिर मैं निकल ही गया वहाँ से, फिर उसके बाद वहाँ से निकल के सीधा क्रेटा के शोरूम में उसको बुक करवाई मैंने। अब मुझे एक बात बताइए, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, इससे पहले आप टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन चला रहे थे नेक्सॉन का, वो आपने कितने हजार किलोमीटर चलाई है? अभी भी है ना घर पे आप? जी जी जी, अभी कितनी चल चुकी है वो? जी लगभग 40,000 के आसपास चल चुकी है। उससे उस गाड़ी से इसमें आने पर, वो वेरिएंट कौन सा था सबसे पहले? एक्सएम वेरिएंट था। इसमें आने में आपको कोई मेजर अपग्रेड फील हो रहा है? क्योंकि अगर कीमत की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल कीमत की ये गाड़ी है, फीचर्स मिल रहे हैं इसमें? फीचर्स की बात की जाए तो डेफिनेटली अपग्रेड है, फीचर्स तो मिलेंगे क्योंकि पैसे आपने ज्यादा खर्च कर रखे हैं। लेकिन एक होता है ना कि बैठने में जो फील आता है गाड़ी के अंदर की क्वालिटी फील करने में जो आता है, उसके अंदर जो लेआउट है वो देखने में, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है गाड़ी का, उसमें क्या अंतर फील हो रहा है आपको? अगर मैं इंजन की बात करूँ तो आई थिंक डाउनग्रेड है मेरा एक्सपीरियंस, तो चलो मैं बाद में कहता हूँ, मगर ऑन पेपर्स भी इसके फिगर्स कम ही है नेक्सॉन से। ठीक है, वो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, टर्बो का खेल है, उसमें आपको फील गुड फैक्टर वो देगा। करेक्ट, तो मगर उसमें क्या है कि उसमें आपका क्या है कि मैं कुछ चीज नोटिस करी थी कि हल्का सा आप एक्सेलेटर से पैर हटाओगे और वो अपने आप निकल पड़ती है, चाहे आप उसको रिवर्स करो, क्योंकि मेरा जो पार्किंग पोडियम है वो थोड़ा सा ना एंगल पे है। हाँ। तो उसमें नेक्सॉन चढ़ने से पहले सोचती नहीं थी कि भाई आपने हल्का सा पैर हटाया, वो चढ़ गई सीधा। इसमें आपको एक्सलेटर पे पंजा दबाना पड़ता है तब जाके भी चढ़ती है, इनफैक्ट उसमें बंद भी हो जाती है ये गाड़ी। 1500 सीसी तो कहने की बात है, देखो अगर मुझे अंदर बैठ के वो आउटपुट नहीं मिल रहा है तो मैंने तो शायद नेक्सॉन के या उससे बराबर की, उससे नीचे की वेरिएंट ही खरीदा है मेरे हिसाब से तो इंजन वाइज। बाकी सब कुछ ठीक है क्योंकि नेक्सॉन लगभग इतनी ही बड़ी है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो मुझे इतना कुछ फील होता नहीं कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी नेक्सॉन से आया हूँ। हाँ, कैबिन वाइज थोड़ा सा लगता है एयरी है, जस्ट बिकॉज आई थिंक ये व्हाइट इंटीरियर है इसके, इस वजह से, क्योंकि नेक्सॉन का ऑल ब्लैक था। पीछे जो बैठता है, आपकी फैमिली में से कोई बैठते होंगे नेक्सॉन में, पीछे की सीटों में कुछ अंतर देखने को मिला आपको? पीछे की सीटों में थाई सपोर्ट थोड़ा ज्यादा है इसमें और लेग रूम वगैरह, लेग रूम भी बहुत अच्छा है, ये ज्यादा कंफर्टेबल है नेक्सॉन, ये ज्यादा कंफर्टेबल है नेक्सॉन। अच्छा, जब गाड़ी रोड पे चलती है बिल्कुल, आपको स्टेबल कौन सी गाड़ी लगती थी? मुझे स्टेबल देखा जाए तो दोनों ही लगभग बराबर स्टेबल हैं, बट राइडिंग क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे वो ज्यादा बेटर लगती थी नेक्सॉन, बट अब उससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी ली है तो मुझे उसमें बुरा लगने की वजह इसमें लगने शुरू हो गया। 17 लाख बर्बाद हो गए क्या? बर्बाद तो खैर मैं नहीं कहूंगा, वो चीजें थोड़ी ऐसी हैं कि उसके आदत पड़ने वाली बात है। जिन्होंने शायद पहली गाड़ी क्रेटा ली है तो उनको तो वो चीज पता भी नहीं होगी मे बी। आप मुझे बता रहे थे कि राइड क्वालिटी में दोनों में बहुत अंतर है, किसमें क्या अंतर है वो बताइए आप थोड़ा सा खुल के हमारे दर्शकों को। जी एक्चुअली में क्या था कि मैं आई थिंक लास्ट मंथ में खाटू श्याम जी गया था, वहां पर गाड़ी के अंदर 5 तो एडल्ट बैठे हुए थे प्लस 2 बच्चे बैठे हुए थे, तो उनका वेट नेग्लिजिबल ही है, 3 साल का, 1 5-7 साल का, ठीक है। पर गाड़ी मुझे ऐसा लगा कि ये काफी गाड़ी दबके चल रही है, लोड में ऐसा लगता है कि काफी ड्रैग कर रही है गाड़ी, इसको काफी पंजा दबाना पड़ रहा है, जब जाके ये 100 पे पहुंच रही है, 120 पे पहुंच रही है, हालांकि आवाज नहीं आती है, आवाज अगर 5 बैठे हैं तो 120 130 के आसपास के बाद ही आती है आवाज, बट स्टिल लगता है वो फील आती है कि इतनी स्मूथ नहीं है जितनी शायद वो थी, मे बी बिकॉज ऑफ टर्बोचार्ज। पावर की मामले में, पावर स्मूथनेस की बात करें, वैसे जो स्मूथ है, रिफाइनमेंट है, वो इसमें ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा है। आप 17,40,000 तो खर्च करके आ गए, आपको जरा सा भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ऑटोमेटिक में चला जाता, क्योंकि ये काफी अच्छा बजट है एक ऑटोमेटिक कार लेने के लिए, और आप रहते हैं NCR में, इतना सारा ट्रैफिक, बंपर टू बंपर ट्रैफिक भी रहता है, तो उसके बावजूद ही, और मैनुअल आप चला चुके हो? मैनुअल चला चुका हूँ, इसलिए ही मैनुअल सोची है, क्योंकि ऑटोमेटिक शायद उनके लिए है जिनके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अगर वाइफ भी चलाती तो ऑटोमेटिक वो चला लेती, मेरी जो पर्सनल मुझे फेवरेट है वो मेरी मैनुअल ही है। साहिल जी एक बात बताओ जी, देखो गाड़ी बैठने में तो अच्छा फील दे रही है, लेकिन जो आपने 17,500 के आसपास खर्च करे उसमें आपको क्या क्या फीचर मिसिंग लग रहा है इस गाड़ी में, ये बताइए आप। फीचर मिसिंग के नाम पे तो ऐसा सच मुझे कुछ लग नहीं रहा है, मैं सच बताऊं तो आपको, क्योंकि
अगर मैं इससे ऊपर वेरिएंट में जाता तो मुझे मिलते वो वेंटिलेटेड सीट्स, उसका कोई यूज नहीं है कुछ खासा। कितना डिफरेंस होता कीमत में? कीमत में था डेढ़ लाख के आसपास का डिफरेंस तो था, तो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। आई थिंक इसके अंदर सारी वो फीचर्स हैं, गुड टू हैव फीचर्स हैं जो कि ये गाड़ी में होने चाहिए। और मेरा मेन मोटिव था कि वो गाड़ी लेने का जिसमें क्रूज कंट्रोल हो, क्योंकि जो मेरे जो ट्रैवलिंग होती है वो शायद कभी कभी इतना खिंच जाती है जिसमें मुझे जरूरत पड़ती है क्रूज कंट्रोल की। अब देखो अगर बात करी जाए गाड़ी लॉन्च कैसे हो रही है जी बिना किसी परेशानी के, वैसे देखा जाए तो ये प्लेन रास्ता है। बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि आपकी जो पार्किंग है उसमें चढ़ाई है। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का जो बिहेवियर है जी टर्बोचार्ज से टोटली डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब टर्बो पुल अप होता है तो वो अपनी पूरी जो है आउटपुट देता है टॉर्क के मामले में, तब पुशबैक आपको फील होता है। अगर देखा जाए तो इसकी पावर और उसकी पावर में कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना जीरो से उठाने वाली जी, तो मुझे क्या लगता है ये प्यार से उठेगी उसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये फोर सिलेंडर इंजन है। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे थ्री और फोर सिलेंडर इंजन में सिर्फ ये डिफरेंस फील हुआ कि आई थिंक एनवीएच लेवल्स उसके ज्यादा हैं, इसके कम हैं। प्लस अब देखा जाए तो वो जस्टिफाई भी हो गया, क्योंकि वो गाड़ी डिलीवरी इतनी अच्छी दे रही है, जो उसकी पावर डिलीवरी है वही इतनी अच्छी है, तो आई थिंक मुझे कभी फर्क पड़ा नहीं इतना कि वो आवाज इतना कर रही है, कैबिन के अंदर आवाज इतनी आ रही है, पर इतनी आवाज भी नहीं आ रही कि आप परेशान हो जाओ उस गाड़ी के अंदर। देखो फील तो होता है, गाड़ी लंबी चौड़ी बड़ी गाड़ी है ये। अगर मैं डायरेक्टली इसका कंपैरिजन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि एलिवेट में आता है उससे करूं, वो ज्यादा पैपी है इसके कंपैरिजन exactly. में, लेकिन स्मूथनेस जबरदस्त है। बिल्कुल। बट अगर आप गाड़ी नॉर्मली चलाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत फील नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि नेचुरली एस्पिरेटेड है तो अंडर पावर्ड फील कराएगा। आप इससे कहीं पर भी घूम सकते हैं, अच्छे अच्छे पहाड़ों में जा सकते हैं, चढ़ाई चढ़ सकते हैं। यार एक और चीज नोटिस कर पा रहा हूँ, ये जो इसका सेंटर कंसोल है जी, जब ये गाड़ी नई नई आई थी तो काफी लोगों ने शिकायत करी थी, हमने भी काफी फील करा था ये। अभी तक इसकी ये जो प्रॉब्लम है ना चिड़चिड़ वाली, बिल्कुल ये कम हो गई है, लेकिन 100% गई नहीं है। बट ये है कि इसको ये रिजोल्व कर देंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है हुंडई वालों के पास, लेकिन जब फैक्ट्री से ये चीज है ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। एग्जैक्टली आप शुरू शुरू में आप सर्विस सेंटर गाड़ी को लेके जाना चाहते नहीं किसी खुलवाना नहीं चाहते बिल्कुल किसी भी मामले में। अगर वो रबड़ भी लगवाने के लिए खुलते हैं ना तो लगता है दर्द तो होता ही है। हुंडई का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है अभी तक? टाटा और हुंडई का डिफरेंस बताइए आप जी। टाटा का तो मेरा तो डिलीवरी का तो ठीक रहा था, बट आफ्टर डिलीवरी, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी मुझे बहुत ज्यादा बड़ा सेटबैक लगा था, क्योंकि उसका होस पाइप टूट गया था रास्ते में आते हुए। गाड़ी को जब डिलीवरी लेके मैं घर आ रहा था, ओवरहीट हो गई थी और बंद हो गई। ये प्रॉब्लम हमने सुनी है, ओवरहीट हो गई और बंद हो गई रास्ते में। अच्छा। और काफी बंपर टू बंपर ट्रैफिक था, तो मुझे लगा कि पीछे वाली गाड़ी से वो निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। मुझे ये नहीं पता था कि मतलब थोड़ा दिमाग से निकल जाता ना कि पीछे तो डिक्की होती है, इंजन तो होता ही नहीं है, तो पीछे धुआं निकलना शुरू हो गया। तो लोगों ने बताया कि आपकी गाड़ी से आगे से धुआं निकल रहा है। अच्छा। उम्मीद नहीं थी बट हो गया वो। अब इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि वहां पर मेरी एक सिंगल गाड़ी की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया पीछे का, मतलब लगभग 1.25 किलोमीटर तक का। अच्छा। क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बहुत बड़ा था वहां पर। फिर उसके बाद हमने किसी तरीके से धक्का मार के, क्योंकि गाड़ी बंद हुई तो स्टेयरिंग जाम हो गया, गाड़ी को धक्का मार के साइड लगाई वहां पर। फिर हमने जो है उसको बुलाया वहां पर, जो आपके जो मोबाइल वो वाले होते हैं सर्विस, हाँ मोबाइल सर्विस वाले होते हैं, उनको बुलाया, उन्होंने किस तरीके से ठीक करी, और रात को फिर हम रोड पे अटके 8 बजे के, हम 12 बजे घर पहुंचे। अच्छा, उसके बाद की जो 4-5 सर्विस आपने करवाई उसका कैसा एक्सपीरियंस है? उसका एक्सपीरियंस भी ठीक ही था, मैं सच बताऊँ तो। मैं ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव भी नहीं है उसके अंदर कुछ इतनी, क्योंकि अगर ये तो खैर इनफैक्ट मेरे को लगता है कि ये हर ही सर्विस सेंटर के अंदर है कि अगर आप अपनी गाड़ी के साथ नहीं खड़े हो तो आपकी गाड़ी वो लाइन में पीछे कर देते हैं, चाहे आप कितनी पहले आ रखे हो। फर्स्ट सर्विस में इसके साथ भी हो गया है। अच्छा। मैंने पहला स्लॉट लिया था बिल्कुल मॉर्निंग का, फिर भी मेरी गाड़ी शायद दूसरी तीसरी लगने वाली थी, और मेरे सामने जो गाड़ी आई थी वो मेरे से पहले लग गई, तो इसका तो ये है। देखो 2500 किलोमीटर आपने चला दी है जी, फ्यूल एफिशिएंसी क्या दे रही है? क्योंकि आपने 3-4 टैंक तो भर दिए होंगे इसमें आराम से, तो क्या एवरेज निकल के आ रहा है मोटा मोटा ये बताइए जी। MID के मैं उस पे जाऊँ, रेफरेंस पे जाऊँ तो MID पे तो मुझे कभी कभी 20.7 तक की भी दिखाई हुई है उसने ऑन हाईवेज। सिटी की बात करूँ तो 15-16 के आसपास मुझे ये दे देती है। अच्छा। क्योंकि मेरी आदत है नहीं कि मैं पंजा दबा के चलाने की आदत मेरी है नहीं, आराम से चलाते, मैं बहुत इजी टू गो टाइप का ड्राइविंग करता हूँ। पावर डिलीवरी की बात आती है कि आपको पता कैसे लगा कि ये पावर कम देती है, तो सिर्फ उसी वजह से कि मेरी पार्किंग गाड़ी चढ़ती नहीं है। और नेक्सॉन के कंपैरिजन में कम दे रही है ज्यादा दे रही है? नेक्सॉन के कंपैरिजन में ज्यादा दे रही है अगर मैं बोलूं तो। अच्छा जी। क्योंकि नेक्सॉन कभी भी हाईवे पे उसने 18 से ऊपर गई नहीं है, जैसे मर्जी भी चला हुआ। ये इसने मुझे कम से कम MID में 21 तो दिखाई दिया है, कुछ नहीं तो 2
लीटर की माइलेज कम होगी। देखो अगर देखा जाए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ये है, इसमें चलाने में अगर आप देखें तो वो वाव फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपकी जरूरतों को पूरा ये करेगी। बिल्कुल, गाड़ी के अंदर फील भी काफी अच्छा है, ठीक है, गाड़ी आपको एहसास कराती है कि आपने पैसे खर्च करे हैं। बट मैं ये इनसे जानना चाह रहा था कि क्रेटा का फेसलिफ्ट आने वाला है, उसके बावजूद भी क्रेटा में जाने का क्या रीजन था इतना रुकने का? और पता नहीं वो वैसे भी कब आएगी कब नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान हो चुका हूँ गाड़ी, जो गाड़ियाँ मुझे पसंद है उनको फॉलो कर करके। बट जैसे मैं अपकमिंग क्रेटा की फोटोज वगैरह देख रहा हूँ ना जी, जो बाहर के मार्केट में आ भी चुकी है, बिल्कुल है ना, तो मुझे कुछ खास इम्प्रेसिव लग नहीं रहा उसका डिजाइन, जो उसकी ग्रिल वगैरह है, बिल्कुल जरूरत से ज्यादा। वो तो आने के बाद पता चलेगा, सामने से देखने में पता चलेगा, क्योंकि ये भी कुछ खास नहीं लगती थी, लेकिन अब सबकी नजरों में चढ़ी हुई है, ठीक है, इनको भी पसंद नहीं थी, इन्होंने ले ली है। जब 17 लाख रुपए खर्च हुए हो तो बहुत बढ़िया चीज लगने शुरू हो जाती है। चलो अच्छी बात है, और अपनी गाड़ी से ओवरऑल ये खुश हैं? बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल। और इसको कब तक रखेंगे आप जी? मेरा प्लान तो लंबा ही है, मैं तो जब तक 15 साल आई थिंक कंप्लीट ना नहीं हो जाते मैं तो इसे रखने वाला ही हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, और थैंक यू सो मच आने के लिए और अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।